हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द मैथमैटिक्स क्लास विद मनप्रीत सर एंड आज हम लोग अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं एल सी एम एंड एच सी एफ एल सी एम एंड एच सी एफ हम लोगों ने बहुत ही छोटी क्लास में फिफ्थ या सिक्स में, में भी हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हम लोग को बताया गया था कि एल सी एम बेटा होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये हम लोग को बताया गया था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हम लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई थी बचपन में कुछ टेक्निक्स बताई गई थी लेकिन इसके अलावा और हम लोगों को बहुत ही डिटेल में ये चीज नहीं बताई गई थी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर आखिर सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आखिर होता क्या है और ये इसके भाई यानी कि एच सी एफ जिसको हम लोग कहते हैं हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इससे किस तरीके से रिलेटेड है और ये दोनों चीजें किस तरीके से डाइवर्ज करती हैं एक दूसरे से किस तरीके से इन दोनों में अंतर आता है उसके बारे में हम लोग को डिटेल में नहीं बताया गया था इसके अलावा जले पे नमक तो ये है कि ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो इस कारण जब भी कोई एलसीएम या एच का क्वेश्चन आता है तो बच्चे घबरा जाते एकदम से कि भाई इसमें क्या किया जाए इसमें क्या करें पहले बैठ के एलसीएम सी एम निकाले एच सी कैसे करें और कई बच्चों को तो एलसीएम निकालना पता है लेकिन एच निकालना नहीं पता है एच निकालने के लिए वो बैठ के फैक्टराइजेशन करने लगता है तो आज मैं इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली एड्रेस करने वाला हूँ आज मैं आप लोगों को एलसीएम एंड एच से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताऊंगा एंड हम लोग एग्जाम एस बी आई और मेन्स का एग्जाम अभी हो चुका है इसके अलावा डिफेंस के एग्जाम्स आने वाले हैं एनडीए सी डी एस के एफ कैट के ये सारे एग्जाम्स आने वाले हैं और उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जैसे भी सी टेट हुआ अभी हम लोग का सुपर टेट बहुत ही जल्द आने वाला है उसकी करीबन सत्रह हजार जो वैकेंसीज़ थी जिस पर थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा है उस पर हम लोग की वैकेंसी अभी इन द मिडल ऑफ द ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर हम लोग की आएंगी तो सुपर टेट वाले एग्जाम में भी मैथ्स वाले पार्ट में एल सी एम एंड एच सी एफ आता ही आता है बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा सेक्शन है और इसकी प्रिपरेशन अगर हम लोगों ने ढंग से कर ली तो इसमें जितने भी मार्क्स आपके होते हैं करीबन पांच मार्क्स आप लोग पक्के मान लीजिए अपने एग्जाम में तो बिना कोई देर किए है, करते हैं एलसीएम एलसीएम एंड एंड एचसीएफ एचसीएफ के साथ LCM HCF का मैंने आपको फुल फुल फॉर्म फॉर्म बता दिया कि भाई ये होता है फुल लेकिन एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है ये देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम को ठीक है एलसीएम को हम लो लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ कि कुछ नंबर्स के बीच में कोई ऐसा नंबर जो लोएस्ट हो लोएस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय ऑल द अदर नंबर्स दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जैसे टू थ्री एंड मान लेते हैं सिक्स गे? ये हमारे पास तीन नंबर है और हमसे बोला गया है कि भैया इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आप हमको निकाल के बताओ ठीक है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग कैसे निकालते हैं उसके लिए हम इन तीन नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको एक एक करके डिवाइड करते रहते है टू तो वन थ्री थ्री देन थ्री वन 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 हम लोग कह देते हैं कि इन दोनों का मल्टीपल जो है सिक्स ये हमारा एलसीएम निकल आया इन तीन नंबर्स का ये हम लोग कह देते हैं यहाँ पे ठीक है सही है लेकिन इसके पीछे की बेसिक्स क्या है इसको हम लोग विजुअलाइज कैसे करें इसको हम लोग एग्जाम में कैसे याद रखें एग्जाम में याद रखने का इसके लिए बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ मान लेते हैं कि हम लोग के पास पंद्रह है ठीक है हम लोग के पास 6 है और हम लोग के पास बीस है ठीक है अगर हम लोग से कहा गया है कि इनके बीच में एल्सियम निकालो तो इसका सबसे पिच परफेक्ट तरीका ये है कि आप देखो कि इन इन तीनों नंबर्स के इंडिविजुअल टेबल में सबसे पहला वो कौन सा डिजिट है जो कॉमन आता है जैसे बीस की टेबल देखते हैं बीस के बीस के बाद क्या क्या आता है चालीस आता है ठीक है फिर साठ आता है ठीक फिर उसके बाद अस्सी आता है फिर सौ आता है ट्वेंटी फाइव सा उसी तरीके से छ की टेबल देखें ट्वेंटी फोर आता, आता है देन थर्टी आता है देन थर्टी फाइव आता है और ऐसे चलते 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 हम लोग का सिक्सटी आता है सिक्स टेन सान की टेबल देखें तो फिफ्टीन टू सा थर्टी थ्री सा फोर्टी फाइव एंड फोर जिक्सटी आता है इसी तरीके से अब आप देख रहे हैं ट्रेंड लोएस्ट कौन सा नंबर है इन तीनों में जो कि कॉमन हो इन तीनों की टेबल में 60, 60 and 60. तो हम लोग कह देंगे कि इन तीनों नंबर्स का एलसीएम जो है वो क्या हुआ सिक्सटी एलसीएम लेने पे हम लोग का क्या आया सिक्सटी ठीक है भाई ये बात समझ में आ गई एलसीएम से रिलेटेड अब चलते हैं एच पे ठीक है एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो हुआ वो एलसीएम का ही एक तरीके से छोटा भाई हुआ ठीक है ये एलसीएम और एचसीएफ में सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज क्या है उस पर भी मैं आऊंगा पहले आपको एचसीएफ का एक ओवरव्यू दे दूं जो आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा ठीक है एचसीएफ बेसिकली क्या होता है एक ऐसा नंबर जो कि बेसिकली कई सारी डिजिट्स में कॉमन हो जिनका हमको एचसीएफ निकालना है जैसे कि हम लोगों ने अगेन अगर टू थ्री या सिक्स लिया ठीक है बेसिकली इनके बीच में एच क्या निकलेगा उस पर अभी आते हैं बाद में पहले हम एक दूसरा नंबर देखते हैं एंड uh, मान लेते हैं ठीक है इनके बीच में हमारा एच क्या हुआ इनके बीच में एच वो नंबर होगा जो कि हाइएस्ट ऐसा नंबर जो कि इन तीनों को डिवाइड कर देगा ठीक है और ऐसा कौन सा नंबर है बेटा थ्री थ्री इन तीनों को डिवाइड कर देगा थ्री इसको डिवाइड करके क्या लाएगा Six. इसको डिवाइड है? है. तो इस हमारा इस केस में एच सी एफ हो गया ठीक है अब ये थ्री और भी बड़े नंबर हो सकते हैं और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं जो इनमें कॉमन हो काफी सारे नंबर्स हो सकते हैं तो उसको इसी में मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो वो हमारा एच सी एफ निकलता है ठीक है वापस आता है टू थ्री एंड सिक्स में भाई आ, कोई ऐसा नंबर नहीं है आ, जो टू एंड थ्री जो है आ, उनको बेसिकली डिवाइड कर दे ठीक है तो इस कारण टू और थ्री को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं ये आपस में क्या है को प्राइम है ठीक है एंड को प्राइम होने की वजह से इन दोनों के बीच में कोई ऐसा एक सेंट्रल फैक्टर नहीं है जो कि बेसिकली दोनों को डिवाइड कर दे तो इस केस में इन तीनों का बेसिकली इन दोनों का फैक्टर क्या आएगा वन ठीक है एंड कॉन्सिक्वेंटली इन तीनों का फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा फिर वन ठीक है ये बेसिकली हमारा एच सी एफ हुआ ओवरऑल अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहें ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम जो होता है तीन नंबर्स का ठीक है वो बेसिकली इन तीन नंबर्स के प्रोडक्ट्स का यूनियन होता है क्या होता है यूनियन मैं इसको थोड़ा और सफाई से लिख देता हूं ताकि क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इससे आप लोगों को विजुअलाइज करने में इसकी हेल्प हो जाएगी ठीक है फैक्टर्स कहते हैं फैक्टर्स ओके फैक्टर ऑफ ए फैक्टर ऑफ बी फैक्टर ऑफ सी ठीक है इनके बीच में हम लोग अगर यूनियन कर दें तो ये हमारा क्या हुआ एलसीएम हुआ ठीक है इसी तरीके से एच क्या हुआ ये बहुत ही इनोवेटिव तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में चीज बैठ जाए और आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई एलसीएम में क्या करना है और एचसीएफ में क्या करना है ठीक है अब जैसे ये है तो इनके बीच में इंटरसेक्शन जो होता है वो हमारा एच होता है ठीक है अब अगर मैं सेट्स को ला ही रहा हूं इसमें तो आप वेन डायग्राम को भी ले आते हैं है ना अगर मैं यहाँ पे एक मिनट अगर मैं यहां पर इमेजिन कर लू ये एक गोला ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा है मान लेते हैं ठीक है देन मैं एक दूसरा यहाँ पे गोला इंट्रोड्यूस करूं ये ठीक है देन मैं एक तीसरा यहां पे गोला इंट्रोड्यूस करूं ये ठीक है यहां पे ये ए है ठीक है ये बी है ओके और ये सी है मान लेते हैं ठीक है तो यहां पर इस केस में जो ये हमारी क्वांटिटी हुई कौन सी क्वांटिटी जो कि इन तीनों में इंटरसेक्ट कर रही है आपस में ठीक है इन तीनों में इंटरसेक्ट कर रही है ये हमारी जो क्वांटिटी हुई ये क्या हुई ये हुई हमारी एच सी एफ इसको हम लोग एच सी एफ कहते हैं तीन नंबर्स में तीन नंबर्स के जब फैक्टर्स निकालेंगे तो उन फैक्टर्स में से जो फैक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे एच सी एफ हुए ठीक है एंड इसी तरीके से जो हमारे बाकी के फैक्टर्स हैं इन सबको कॉमन लेके ये जो बाकी के हमारे फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग द इंटरसेक्टिंग वन ये हमारे क्या हो जाएंगे एल सी एम ये विजुअलाइज करने का एकदम रामबाण तरीका है इससे आपको एक बार भी नहीं भूलेगा कि एलसीएम और एच में डिफरेंस क्या है ये एलसीएम है ये 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 है और ये आपका एलसीएम है, है? हो गया HCF और LCM का visualization इसको समझे कैसे अब एच और एलसीएम को निकालने के तरीके क्या है वो देख लेते हैं एक बार ठीक है अब मान लीजिए आपको तीन नंबर्स गिवन है ठीक है आपको गिवन है टू फोर ट्वेल्व ठीक है भैया बोला है क्वेश्चन में इसका एल एंड एच हम लोग को निकाल के दिखाओ ठीक है बहुत सिंपल है इसका कैसे करना है हम लोग को सबसे पहले इनको इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे ठीक है और इनको डिडक्ट करना स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग छोटी क्लास में किया करते थे तो टू वन सा टू एंड सिक्स तो एक बार जब यहाँ पे वन आ गया तो एक जो डिजिट इन सब में कॉमन था वो कौन सा था टू तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर एच सी एफ ओके एच सी एफ हम लोग का निकल आया टू अब आगे हम लोग करते हैं एल सी एम इसका वन तो अब ये जो चारों का मल्टीप्लीकेशन हुआ ये हमारा क्या हुआ एल सी एम ये हमारा एल सी एम हो गया क्या आएगा यहाँ पर बारह तो बारह हमारा यहाँ पे एलसीएम हो गया ठीक है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इनसे रिलेटेड है ठीक है अगर दो नंबर है ए एंड बी ठीक है दो कोई भी हमारे पास नंबर है ए एंड बी ठीक है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा बेटा ए एंड बी का प्रोडक्ट वो हमेशा इक्वल होगा ए एंड बी के एल सी एम इंटू उनके एच सी एफ के ये भी काफी बढ़िया फॉर्मूला है को भी अगर ध्यान में रखेंगे हम लोग तो जीवन काफी आसान हो जाएगा एंड कंपिटेटिव एग्जाम्स में स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे ठीक है ये हमारा फॉर्मुला हो गया एक जो हम लोग को ध्यान में रखना है ठीक है अब बेसिकली ये पूरी खिचड़ी हम लोग को हल्की फुल्की समझ में आ रही है पूरी समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक हम इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर वन हमारा ओके

इसमें होंगे तो हम लोग को क्या निकालना है बेसिकली यहाँ पे इनका एलसीएम निकालना है और देखना है कि कौन सा फाइव डिजिट नंबर है जो उस एलसीएम से डिविजिबल है कौन सा हाइएस्ट ऐसा फाइव डिजिट नंबर है तो चलिए पहले इनके एलसीएम निकालते हैं ठीक है पांच पंद्रह बीस और पच्चीस ठीक है पांच से डिडक्ट करिए वन थ्री फोर फाइव अगेन पांच से डिडक्ट करिए वन थ्री फोर वन तीन से करिए वन वन फोर वन देन फोर से करिए ठीक है आ गया हमारा लास्ट में वन 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 तो हमारे पास फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव थ्री जावेंटी फाइव अब सेवेंटी फाइव को फोर से मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आ जाएगा सेवेंटी फाइव इंटू फोर ट्वेंटी सेवन फोर ज्वेंटी एट थ्री हंड्रेड ठीक है थ्री हंड्रेड हम लोग का क्या आ गया एल सी एम थ्री हंड्रेड एल सी एम हो गया ठीक है अब हम लोगों को ऐसा पांच डिजिट का नंबर निकालना है जो थ्री हंड्रेड से डिविजिबल हो तो सबसे बड़ा पांच डिजिट का नंबर कौन सा हुआ ये फोर फाइव ये हमारा सबसे बड़ा पांच डिजिट का नंबर हुआ ठीक है इसी को इससे डिवाइड कर लो तो मैं अगर थ्री हंड्रेड को इससे डिवाइड करूं तो थ्री इजा नाइन हंड्रेड निन्यानबे नीचे गया इस नाइन को नीचे लाएंगे फिर से थ्री इजा नाइन हंड्रेड निन्यानवे नीचे गया इस नाइन को नीचे लाएंगे फिर थ्री नाइन हंड्रेड 90 निन्यानवे हम लोग का रिमाइंडर ठीक है तो बेसिकली अगर ये रिमाइंडर को मैं इस डिविडेंड से माइनस कर दूं तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा थ्री हंड्रेड से और ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो डिविजिबल हो तो भैया कर देते हैं माइनस नाइन 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 और नाइन से माइनस कर देते हैं निन्यानवे को तो क्या आएगा हमारे पास जीरो जीरो नाइन 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 ये आया हमारे पास ठीक है तो ये हमारा कॉन्सिक्वेंटली क्या हो गया आंसर क्यों क्योंकि ये 300 से completely divisible है और ऐसा बिगेस्ट नंबर है जो ऐसा कर सकता है ठीक है हम लोग को ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ये अः जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट ठीक है जल्दी जल्दी निपटाते हैं सबको हाँ हम लोग को एलसीएम एंड एच निकालना है इसका ओ हो बेटा जी अब तो दिक्कत तो, हो गई हाँ? हम लोग को क्या करना है हम लोग को दो नंबर गिवन है वो भी पावर के फॉर्म में टू की पावर फोर थ्री की पावर थ्री फाइव की पावर टू और ये एक नंबर है और दूसरा हमारे पास क्या है समझदार बच्चे समझ जाएंगे बहुत ईजी है तो दो मिनट में इसको निपटाते हैं ठीक है टू की पावर फोर थ्री की पावर थ्री फाइव की पावर टू 7 की पावर टू फाइव की पावर वन टू की पावर फाइव एलसीएम क्या होगा भाई इन सब का यूनियन ठीक है बेसिकली कॉमन वालों को रख के जो अनकॉमन है उनको भी रख के कॉमन वालों को सिर्फ एक बार रिपीट करना है जो हमारे पास आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा ठीक तो है, है तो यहाँ पे हम लोग के पास टू की पावर फोर है यहाँ पे टू की पावर फाइव है तो यहाँ पे टू की पावर फाइव आएगा क्यों क्योंकि ये और ये टू uh, की पावर फोर इसी में आ जाता है ठीक है यहाँ पे फाइव की पावर ये हो गया ये हो गया पावर टू, 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 तो टू और थ्री की पावर थ्री ठीक है तो टू की पावर फाइव क्या हो गया आपका टू की पावर फोर होता है सिक्सटीन टू की पावर फाइव क्या हो गया थर्टी टू ठीक है थर्टी टू को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले

तो थ्री नाइन टू में ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई कर लो तो सेवन टू फोर्टीन सेवन नाइन जो सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री प्लस वन किया ट्वेंटी सेवन टू टू फोर नाइन टूटीन थ्री टू झा सिक्स सेवन तो फोर और फिर आ गया हमारे पास एट फिर सेवन प्लस एट आ गया हम लोगों के पास फिफ्टीन 15 वन कैरी सेवन एट नाइन टेन वन जीरो फाइव एट जीरो जीरो तो हम लोग का एल सी यहाँ पर क्या आ गया वन जीरो फाइव एट फोर जीरो जीरो अब एच निकालने ना बैठ जाइएगा इसी में देखिए कौन सा सही ऑप्शन है एल के केस में एल सी में आ रहा है ये चीज तो इस कारण हम लोग निकाल लेंगे आंसर ये ठीक है और इसका सिंपल तरीका क्या था एल ना ही करते एच से स्टार्ट करते एच कंपेयर करते कि किसका सेम किसका 80 आ रहा है तो वो हमारा सही आंसर हो जाता लेकिन आई बेस्ट फॉर यू ठीक है चलते हैं okay. क्या है क्वेश्चन हमारे पास ओहो अब हम लोगों को निकालना है इसका एच और इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है ओके ठीक है करते हैं भाई करते हैं ठीक है सबसे पहले एच निकालते हैं टेन की पावर माइनस टू टेन की पावर माइनस थ्री टेन की पावर माइनस ट्वेल्व

और रेसिप्रोकल के केस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है एक्चुअली और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है ठीक है तो इनफैक्ट इसमें हायरार्कली ये सबसे बड़ा हुआ उससे छोटा ये हुआ उससे छोटा ये हुआ एंड सबसे छोटा ये हुआ ठीक है आ गया समझ में तो इस कारण 10 की पावर -2 जो है बेसिकली uh, 10 की पावर -2 में 10 की पावर -3 भी आ जाएगा 10 की पावर -12 भी आ जाएगा 10 की पावर -8 भी आ जाएगा ठीक है 1 अपॉन 8 की पावर 2 जो है वो इन सबको डिवाइड वो इन सब से डिविजिबल होगा वो इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ठीक है जिस तरीके से 10 की पावर 12 को 10 की पावर 2 आसानी से डिवाइड कर सकता है तो इस कारण 10 की पावर 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ ठीक है अगर हम लोग 10 की पावर 12 लिखते हैं उसी तरीके से टेन की पावर माइनस टू इसी चीज को रेसिप्रोकल कर दो ठीक है तो टेन की पावर माइनस टू टेन की पावर माइनस ट्वेल्व का आ, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ ठीक तो इस है तो इस हमारा एच सी एफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हम लोग का एच सी एफ यहाँ पे क्या आ गया टेन की पावर माइनस टू आ गया ठीक है अब हम लोग को एलसीएम ऑप्शन में गिवन नहीं है तो एलसीएम नहीं निकालते है? वैसे एलसीयम निकालना भी होता तो बहुत ही सिंपल था बेसिकली टेन की पावर माइनस टू जो है टेन की पावर अपॉन टेन की पावर टू इसी को कैलकुलेट कर देता है क्यों क्योंकि इसी में बाकी सब भी आ जाता है सिंपल ठीक है घबराना नहीं है बिल्कुल भी अब लेकिन इस इसमें मैं एक और चीज आपकी ध्यान में लाना चाहता हूँ ठीक है एक और हम लोग के पास लॉ होता है एलसीय uh, और एच में वो होता है फ्रैक्शंस का लॉ ठीक है फ्रैक्शंस का हम लोग एच सी एफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं? ठीक है सुनिएगा जैसे हम लोग के पास तीन नंबर हैं ए बी एंड सी ठीक है ए अपॉन एक्स बी अपॉन वाई एंड सी अपॉन जेड कर देते हैं मान हैं, फ्रैक्शंस में ठीक है तो एल्सीम जो होगा इनका इन तीनों नंबर्स का वो बेसिकली न्यूमरेटर का एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एच सी एफ होगा एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर ठीक है और जो एच सी एफ होगा इन तीनों नंबर का उसमें एच सी एफ होगा न्यूमरेटर का और एल सी एम होगा डिनोमिनेटर का यह हम लोग का महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी आएगा पिछले वाले क्वेश्चन को भी अगर इस रिस्पेक्ट से देखें तो हमारा आंसर साफ साफ आ जाएगा कैसे भाई अपॉन एट uh, की पावर ट्वेल्व और वन अपॉन एट की पावर या पे टू था शायद एट अगर इन तीनों को मान लेते हैं ठीक है तो इस केस में इनके बीच में एलसीएम भाई बेसिकली में क्या हो गया जो एलसीएम हो गया वो बेसिकली इनका यहाँ पे एलसीएम में आ जाएगा ठीक है और न्यूमरेटर्स का एचसीएफ क्या हुआ एचसीएफ तो 1 ही हुआ 1 का जब एचसीएफ लेंगे तो ठीक है ये बेसिकली इस पूरी चीज की ट्रिक थी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हां वाह क्या कोइंसिडेंस वही चीज आ गई हम लोगों के पास एकदम से 25 अपॉन 13 है हमारे पास अब हमें इन सबका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ठीक है भाई देखते हैं चलिए करके ओके ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टीन है पांच बटे दस है दो बटे पांच दस बटे पंद्रह इनका हमको पहले एच सी एफ निकालना है तो एच सी एफ निकालते वालों का HCF होता है ठीक है ऊपर वालों को लेते हैं पहले पच्चीस पांच दो और दस कौमा कौ कौ पहले हम लोग इनका लेते हैं एल सी एम और उसी में से एच सी एफ निकालते हैं या पहले एच सी एफ लेते हैं चलिए ठीक है फाइव फाइव वन टू टू तो इनका एच क्या हो गया भाई फाइव ओके okay? क्यों क्योंकि इसके अलावा और कुछ कॉमन टर्म्स नहीं है अभी इनमें ठीक है नेक्स्ट फाइव वन वन टू टू नेक्स्ट टू वन 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 तो इसका एल क्या हो गया फिफ्टी हम्म hmm? तो हम लोग का एच क्या आया एच हम लोगों का आया uh, ये क्या कहते हैं इसे एच सी एफ हम लोग का फाइव आया ठीक है किसका ऊपर वालों का एच सी एफ हम लोग का फाइव आया ठीक है जो एल सी एम है उसको किनारे रहने देते हैं कुछ देर के लिए न्यूमरेटर्स का ठीक है मैं लिख देता हूं न्यूमरेटर्स के केस में एच सी एफ इज फाइव एंड एल सी एम इज फिफ्टी ओके इसको किनारे पे रहने देता है अब निकालते हैं हम लोग Uh, नीचे वालों का एलसीएम ठीक है तो थर्टीन टेन फाइव एंड फिफ्टीन ओके अब uh, सबसे पहले फाइव से करते हैं कॉमा 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 फाइव लगाया तेरह दो वन एंड थ्री ठीक है देन हम लोग दो से करते हैं तेरह वन वन एंड थ्री थ्री से करते हैं तेरह वेर से करते हैं तेरह वन, वन, तो ये हम लोग का एलसीएम आया अब भैया यहाँ पे के केस में एलसीएम हम लोग का क्या आया एलसीयम आया थर्टीन थ्री थर्टीन थ्री थर्टी नाइन थर्टीन, थर्टी नाइन से नहीं, नहीं करते हैं थर्टी नाइन से टू को करेंगे तो एटीन थ्री टू जो सेवन सेवनटी एट ठीक है और सेवनटी एट को फाइव से कर देता है तो फाइव एट फोर्टी फाइव सेवन जी फाइव थर्टी नाइन ओके तो ये आया थ्री नाइनटी डिनोमिनेटर्स का एल और डिनोमिनेटर्स का एच क्या आया लेकिन भाई डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है ये तो प्राइम ही निकल गया अब जब ये प्राइम है तो इस कारण इनमें कुछ कॉमन है कुछ नहीं कॉमन है तो इस केस में क्या आएगा हम लोग का एच सी ठीक है ये ध्यान में रखते हैं अब चलते हैं आगे एल सी हम लोग का क्या आया इस केस में थ्री थ्री नाइनटी एक देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है फाइव टू वन थ्री देन दो से किया हम लोगों ने वन वन थ्री हो गया तीन से किया फिर तेरह से किया ठीक है देन तेरह इंटू थ्री हो गया थर्टी नाइन थर्टी नाइन इंटू टू हो गया हो uh, हो हो गया 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 और अच्छा हाँ इनका एलसीएम टू हमारा एक्चुअली में ठीक है टू सिक्स इनका एलसीएम इनका क्या आया डिनोमिनेटर वालों का टू सिक्सटी आया ठीक है चलिए भाई इसको रहने देते हैं एक सेकंड के लिए हम्म तो हम लोग का एलसीएम क्या आया ठीक है हम लोग का एलसीएम आ गया टू ओके, अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं इनका एलसीएम एलसीएम के केस में क्या होगा ऊपर वालों का एलसीएम अपॉन नीचे वालों का एच सी ऊपर वालों का ट्वेंटी फाइव फाइव ट्वेल्व का एलसीएम क्या आया फिफ्टी और नीचे वालों का एच क्या आया था वन तो यहाँ पे कौन सा है जिसका एच सी एफ फिफ्टी है भाई यही तो है जिनका एच सी एफ फिफ्टी है ठीक है तो ये हम लोग का सी जो है वो राइट right आंसर हो गया इस केस में सी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर थ्री एट 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 इफ द HCF of these numbers is 36. बहुत बढ़िया क्वेश्चन एकदम फॉर्मले वाला क्वेश्चन आया है मैं बताता हूँ कैसे हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है एक ऐसा डिजिट जिसको अगर मल्टीप्लाई करे दोनों नंबर से बेसिकली जो दोनों के बीच का इंटरसेक्शन हो सबसे हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकले ठीक है तो अगर हम लेट अदर फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई ठीक है अगर बाकी दोनों फैक्टर उस नंबर के एक्स और वाई अगर हम लोग मान ले है? तो उस केस में हमारा पहला नंबर क्या हुआ थर्टी सिक्स एक्स और दूसरा नंबर क्या हुआ थर्टी सिक्स वाई ये हमारे दो नंबर हुआ है. और इन्हीं का जो प्रोडक्ट है क्या आ रहा है हम लोग का थ्री एट 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 ये आ रहा है ये हमारी इक्वेशन बन गई एक्स वाई इज इक्वल्स टू थ्री एट 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 डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स इंटू थर्टी सिक्स ठीक है करते हैं भाई छह से देखते हैं कुछ जाता है कि नहीं ठीक है तो ये तो सिक्स उसके बाद आया हमारा टू ट्वेंटी एट देन हमारा चला गया फोर से ट्वेंटी फोर फिर हमारे पास आया फोर ठीक है आया तो फोर्टी एट कितने से जाता है सिक्स जा सिक्स हमारा एट जा ठीक है तो ये 648 आ गया हम लोगों के पास ठीक है अगेन एक और 6 से करके करके देखते हैं 1 6 1 6 ठीक है अब ये 60 से हो जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा यहाँ पे हमारा 48 है देन इस केस में हमारा क्या आ जाएगा 8 सा ठीक है सिंपल है अब इसके बाद अगेन 6 से करके देखते हैं 6 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 6 हां फिर उसके बाद हमारे पास यहां पे क्या आया फोर्टी एट आया ठीक है तो फोर्टी एट अगेन कितने से जाएगा एट जा, देन फिर से वन जा जा और ये 3 जा. तो हम लोग का एक्स इन टू वाई क्या रहे? 3 आ रहा है यहाँ पे तो अब x इन टू वाई अगर हम लोग के पास थ्री आ रहा है तो कोई ऐसा नंबर तो है नहीं जिसको मल्टीप्लाई करे तो उससे थ्री आ जाए नहीं है पक्का नहीं है ना एक नंबर है जिसको अगर थ्री से मल्टीप्लाई करें तो थ्री आ जाए ठीक है जिनको मल्टीप्लाई करें तो थ्री आ जाए और वो दो नंबर ऐसे कौन से हैं थ्री इंटू वन ठीक है अगर हम लोग तीन को वन से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग के पास थ्री आ जाएगा ठीक है तो हम लोगों ने बेसिकली ये निकाल लिया कि x की वैल्यू थ्री है और y की वैल्यू है ओके हम लोग के दो नंबर आ गए यहाँ पे ओके तो जो हाईएस्ट नंबर होगा इन्होंने क्या पूछा हमसे कि इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा ग्रेटेस्ट नंबर वही होगा ना जिसमें थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये जो है हमारा एक्स वाला थर्टी सिक्स इंटू थ्री थर्टी सिक्स को थ्री से करो भाई आंसर uh, हम लोग का क्या आंसर आंसर दिख नंबर डी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है एच सी एफ एंड एल सी एम निकालो जीरो पॉइंट सिक्स ओ अब तो डेसिमल आ गया भाई डेसिमल के केस में क्या करेंगे बहुत आसान है दो सेकेंड का काम है दो सेकेंड में मैं एक्सप्लेन करता हूँ डेसिमल से फिर कभी डर नहीं लगेगा डेसिमल में किस तरीके से हम लोग को एस सी एफ एंड एल सी एम निकालना होता है और 3. सबसे पहला काम आप क्या करना है ये डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनका नंबर इक्वल कर लेना है ठीक है अगर यहाँ दो डिजिट है तो दो डिजिट इधर भी होने चाहिए दो डिजिट इधर भी होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पे दो डिजिट कैसे करेंगे यहाँ पे जीरो लगा दो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई डेसिमल के नंबर्स के एंड में चाहे आप जितने जीरो बढ़ाते जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना तो ये हम लोग के दो डिजिट नंबर बन गए ठीक है ये हो गए अब थ्री को भी बनाओ तो थ्री के बाद में जीरो जीरो लगा दिया ओके अब इनके डेसिमल उड़ा दो डेसिमल इनके उड़ा दो डेसिमल उड़ा दिया तो क्या 60 आया सिक्सटी आया यहां पर फाइव आया यहाँ पर पच्चीस आया इधर और थ्री हंड्रेड आया इधर डेसिमल उड़ाने के बाद ठीक है अब इनके निकाल लो तुम एच सी एफ एंड एलसीयम ठीक है और जो एच सी एफ एंड एलसीयम आए उनमें यही जो दो दो प्लेसेस के डेसिमल उड़ाए वही वापस लगा दो ठीक है तो पहले स्टार्ट करते हैं चलिए फाइव ठीक है ये हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया इस में, है? ये नहीं आया इसमें वो दो डेसिमल वापस डालिए तो क्या आया जीरो पॉइंट जीरो फाइव ये हम लोग का एच सी एफ आ गया ठीक है तो यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो फाइव कहाँ पे एच दिखा रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में सो दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन ओके अब बच्चे कह रहे होंगे कि सर लेकिन तब भी एलसीएम करके दिखाइए मैं करके दिखा देता हूँ परेशान मत हो फाइव से करते हैं बारह एक वन एंड फाइव वन सांड टू देन बारह से कर लेते हैं बारह एक एक बारह बारह पंजे साठ सिक्सटी इन टू फाइव थ्री हंड्रेड तो 300 हम लोगों का आ गया एलसीएम कंफर्म करने के लिए चाहे तो कर सकते हैं वैसे कॉम्पेटेटिव एग्जाम टाइम नहीं होता अच्छा थ्री भी एलसीएम नहीं है तो वो दो जीरो वापिस लाइए वो जो दो डेस्मल उड़ा है तो ये थ्री तो है, ठीक है लेकिन जीरो से काम करिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन में एच सी एफ एंड एलसीएम पूछा जाए तो हमेशा एच को निकाल के कंफर्म कीजिए एलसीएम को निकाल के कंफर्म ना कीजिए अगर एग्जामिनर बहुत ही आपसे यू नो आपको टेस्ट करना चाहता है तो एच सी एफ सेम दे देगा कि चलो भैया अब एलसीएम ही निकालो ठीक है तो उस केस में ही सिर्फ आप एलसीएम निकालेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ओके okay, अगेन एक चैलेंजिंग क्वेश्चन हम लोगों के पास आया है अब इस केस में एच सी एफ एंड एलसीएम निकालना है लेकिन सर बोलेंगे कि आ, ये तो हम करवा चुके हैं ये पावर वाला नेगेटिव पावर वाला लेकिन वो और ये सेम नहीं है वो और ये सेम क्यों नहीं है क्योंकि उसमें बेसिस सेम थे इसमें बेसिस डिफरेंट है तो यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी बन गई लेकिन इसमें फॉर्मूला वो यूज होगा जो अभी मैंने आपको बताया था वो था एच सी एफ अपॉन एल्सियम वाला फॉर्मूला ठीक है चलिए तो यहाँ पे हम लोग के पास है वन अपॉन थ्री की पावर टू वन अपॉन थ्री की पावर थ्री वन अपॉइन टू की पावर टू और वन अपॉन सिक्स की पावर फोर ये है हम लोग के पास और हमसे बोला है कि एच सी एफ एंड एल्सीम निकालो ठीक है तो हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे मैंने अभी-अभी आपको बताया कि जब एचसीएफ और एलसीएम में पूछा जाए तो हमेशा एचसीएफ निकालिए लेकिन इस केस में एचसीएफ जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है एलसीएम सॉरी 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 इस केस में फार्मूला क्या होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एच सी एफ तो वन 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 ही है तो एच सी एफ तो निकालने की जरूरत नहीं एलसीएम का निकालना पड़ेगा और क्या आप एलसीएम नहीं निकालना चाहते तीनों नंबर का क्यों क्योंकि हम लोग को एलसीएम ऊपर वाले का निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का लेकिन एच सी एफ निकालना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मला है बहुत दिमाग लगा के करना है इसी से टाइम सेव होता है इसी से एग्जाम बीट होता है ध्यान रखिएगा ठीक है तो अब हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं इन सब का मीनस एक ऐसा इंटरसेक्टिंग नंबर ढूंढते हैं जो इन सब में हो ठीक है तो मैं देखता हूं देखता हूं देखता हूं कोई ऐसा नंबर है जो इन सब में इंटरसेक्ट कर रहा हो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन सब में इंटरसेक्ट कर रहा हो कैसे भाई टू क्या आपको यहां दिख रहा है थ्री क्या आपको इधर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये सब क्या हुआ आपस में को प्राइम हुए ये और ये हुआ एटलीस्ट अगर एक भी को प्राइम पेयर निकल गया तो उस पूरे का हम लोग का एच क्या आ जाएगा वन तो इस केस में हमारा जो एच आएगा वो क्या आएगा आई थिंक ऑप्शन थोड़े हाँ इस केस में हम लोग का एल जो होगा एच जो होगा इन तीनों का ठीक है किन किन का थ्री की पावर टू थ्री की पावर थ्री टू की पावर टू सिक्स की पावर फोर एक पल को मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ी देख रहे माफ कीजिएगा इन सबका हम लोग के पास एच सी एफ क्या आया वन आया एच सी एफ तो ये 1 HCF यहां पे पुट कीजिए वन और एल सी एम इन सबका एलसीय वन 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 का क्या आया वन तो हम लोगों का एलसीएम इन चारों नंबर का इन चारों नंबर का क्या आ गया वन और क्या यहाँ पे कहीं पे एलसीयम वन आ रहा है दो जगहों पे आ रहा है देखा वही करतूत कर दी आपकी बार एग्जाम ने दो जगहों पे हम लोग को वन दे दिया अब हम लोग को इसी कारण एच सी एफ निकालना ही पड़ेगा तो कुछ केसेस में इसमें भी ध्यान और बहुत ही सतर्कता बरतनी बरतनी पड़ेगी ठीक है चलिए अब एच सी एफ निकालते हैं इनका क्या ही करें <laughs> है ना तो लेकिन एच सी एफ निकालना इतना मुश्किल नहीं है मैं बताता हूँ कैसे सिक्स की पावर फोर जो है सिक्स की पावर फोर को हम लोग टू की पावर फोर और थ्री की पावर फोर लिख सकते हैं ठीक है टू की पावर फोर में 2 की टू की पावर टू ऑलरेडी आ गया थ्री की पावर फोर थ्री की पावर थ्री और 3 की, तो की तो आ, आ, क्युं? वन तो ही हुआ है ना तो यहाँ पे वन अपॉन हम लोग करते हैं सिक्स की पावर फोर का सिक्स इंटू सिक्स क्या होता है थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स इंटू सिक्स क्या होता है टू वन सिक्स अब 2, 1, को करते हैं टू वन सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है सिक्स सिक्स तो हम लोग ऊपर वाला था और फिर नीचे वालों का एल सी एम अपॉन वन टू नाइन सिक्स अब के? अब इनमें से हम लोग का कहा पे वन टू नाइन सिक्स आ रहा है ये आ रहा है भाई हम लोग का वन टू नाइन सिक्स तो हम लोग का आंसर क्या हुआ हम लोग का आंसर हुआ आंसर नंबर वन जिसमें वन आ रहा है एल सी एम और एच सी एफ आ रहा है ओके okay, अब यहाँ पे हम लोग को दे दिए हैं ठीक है में हम लोग को करना है आई थिंक दिस इज मोस्ट इजी क्योंकि में डिविजन एंड फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आपको होके मिलता है एटलीस्ट केस में तो मिला है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग को एच यानी कि कॉमन फैक्टर पहले इन सब में निकालना होगा क्या है कॉमन फैक्टर एट ए स्क्वायर बी टू ए बी स्क्वायर सिक्स ए बी और फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या है कॉमन फैक्टर भाई ए आर आए बी है ए आर आए बी आर ए रहा है बी आर ए आर आई बी आ रहा है ठीक है और कुछ आ रहा है नंबर में क्या आ रहा है कहीं पे स्क्वायर हर जगह नहीं रिपीट हो रहा है तो स्क्वायर नहीं लेंगे तो ए बी आ रहा है भाई ठीक है पहले देखते हैं इतने से ही ठीक है कहाँ पे ए बी आ रहा है ठीक है एच सी एफ में एच सी एफ में ए बी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है ठीक है अब नंबर से डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा है क्यों क्योंकि यहाँ पे टू ए बी है यहाँ पे वन ए बी है तो देखते हैं नंबर क्या आता है कॉमन एट टू सिक्स फोर किसके टेबल में आए दो के टेबल में तो इस कारण यहाँ पे क्या हो गया टू हो गया हमारा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इन चारों का तो हमारा आंसर क्या हो गया सबसे पहला टू ए बी ठीक है बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा नाइन्थ क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग का क्या है एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ बिजनेस अब आपको ये जो पॉइनोम इनका फैक्टराइजेशन पहले करना पड़ेगा ठीक है तो सब तो पहले की तरह हम लोग एच सी एफ सही करते हैं ठीक है थेके? उसी से हम लोग का आंसर निकलेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर ठीक है एक्स वाई कॉमन निकालो क्या आया एक्स माइनस वाई फैक्टराइजेशन कंप्लीट धन क्या है हमारे पास थ्री एक्स माइनस थ्री वाई थ्री बाहर निकालो अंदर आया एक्स माइनस वाई फैक्टराइजेशन कंप्लीट फिर क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये क्या लिखा है आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर फैक्टराइजेशन कंप्लीट तो अब हम लोगों के फैक्टराइजेशन के केस में कितने फैक्टर्स निकले वन टू और ये थ्री ठीक है अब इनमें क्या कॉमन है

तो थ्री एक्स वाई लिख लो और ये एक एक्स माइनस वाई यहाँ पे बचा इसको यहाँ पे स्क्वायर लगा दो तो ये आप लोग का क्या हो गया एस एम हो गया ठीक है तो ये यह यहाँ पे आ रहा है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ आंसर नंबर ए ठीक है बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ओके अब इसमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी सम ऑफ टू नंबर कोई भी दो नंबर मान दो ए प्लस बी समी एंड सी एफ एंड एल सी एम नंबर्स दर फाइव एंड हंड्रेड है और LCM क्या है इन दोनों नंबर्स का का हमको क्या निकालने को बोल रहे हैं प्लस वन अपॉन बी समीको हल्का सा सॉल्व कर लें तो क्या आता है ए बी ए अपॉन ए प्लस बी upon ए बी ठीक है यही तो आया अरे हल्की सी गलती हो गई बी प्लस ए आया ओके okay? हमेशा uh, ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है ठीक है वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा तो ये हम लोग के पास सिक्सटी गिवन है ऑलरेडी सिक्सटी ए बी हम लोग को निकालना है कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ से ए बी दो नंबर्स का फॉर्मूला बताया था याद करिए पहले क्या था फॉर्मूला ए इन टू बीवल्स टू देयर एच सी एफ इन टू एल सी एम ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे ए बी इज to टू एच सी एफ इनका क्या है फाइव और एल सी एम इनका क्या है हंड्रेड तो ए इंटू बी क्या हो गया हमारे पास फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो पुट कर दी भाई फाइव हंड्रेड एक जीरो एक जीरो हटा दो हटा दिया भाई ठीक है तो हम लोग के पास क्या बचा है यहाँ पे सिक्स अपॉन फिफ्टी इसको काट सकते हैं एक बार थ्री सा चला गया ये ट्वेंटी तो हम लोग के पास क्या आया? ट्वेंटी आंसर। आंसर जी हाँ ए हम लोग का करेक्ट आंसर है अब इसके बाद जो हम लोग का इलेवेंथ क्वेश्चन है ये हल्का सा तगड़ा क्वेश्चन है ये मैं आप सबको होमवर्क में देख रहा हूँ एक बार देख लीजिए पॉज कर लीजिए वीडियो और ये क्वेश्चन आप लोग करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में तो से ही लाइक करना और कमेंट करना वरना मत करना ठीक है मेहनत अच्छी लगे तो ही लाइक like कमेंट करना ठीक तो है like, और चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल को शेयर करो वीडियो को भी शेयर कर, करिए अपने दोस्तों के साथ ठीक है अपने और जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं जो आपके साथ कोचिंग में या स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके साथ उनको बताइए कि, कि किस तरीके से ये एच और एल सी करके पढ़ाया गया है यहाँ पे तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा आपसे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगा तो अंटिल नेक्स्ट टाइम थैंक यू नमस्कार फॉर ज्वाइनिंग